हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इको शाल। अवर मिशन टू एजुकेट द नेशन। आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 में 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 6 में 8 मार्क्स के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो आइए बच्चियों, हम ये कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। कंसेप्ट का नाम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये कंसेप्ट सीखने से पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को समझ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग किसका, होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। यस, विच यूनिफॉर्म प्राइस, सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द सेलर्स एज वेल एज बायर्स आर प्राइस टेकर। अब क्यों सेलर्स और बायर्स को प्राइस टेकर बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, यह हम देखेंगे। तो इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अगर प्राइस डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमें 2 मार्केट फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी और वो 2 मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के मदद से डिटरमाइन हुई है वही प्राइस मार्केट में बायर और सेलर को एक्सेप्ट करना होता है, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज प्राइस टेकर। जैसे इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। पहला पॉइंट समझ में आया बच्चों? यस। अब जो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एग्जिस्ट करती है उसको हम सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस भी बोलते हैं और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस डिटरमाइंड इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। यस बच्चों, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है उसको हम सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस भी बोलते हैं एंड एज वेल एज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल। अब इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे मिलेगा? बहुत ही सिंपल, जब डिमांड फॉर कमोडिटी और सप्लाई ऑफ कमोडिटी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो जाएंगे, और जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहां से हमें मिलेगा क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस। सो इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे मिलेगा, जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या होंगे, इक्वल। दोस्तों ओके, सो लास्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन शॉर्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे मिलेगा, व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी बोथ आर इक्वल। यस, ये था हमारा थियोरेटिकल कंसेप्ट। अब हम आ जाते हैं शेड्यूल पे, क्योंकि शेड्यूल के बाद हम देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई कर्व का इंटरैक्शन और उसके थ्रू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यस, नाउ विल हैव अ व्हाट, शेड्यूल। ऐसा शेड्यूल आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 में 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें टेबल दिया हुआ रहेगा और उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग रहेंगे, आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करना है। और सेकेंडली, इस शेड्यूल के नीचे 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, किसके रिलेटेड, इस शेड्यूल के रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करना है, और ऑटोमेटिकली आप जब उसको सॉल्व करोगे तो 4 मार्क्स आपके जेब में होगा। यस, तो आगे बढ़ते शेड्यूल को समझ में लेते हैं। शेड्यूल में 4 कॉलम है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, एंड द लास्ट कॉलम इज रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। सो प्राइस से शुरू करते हैं। अगर आपको प्राइस ऑफ कमोडिटी का कॉलम दिख रहा है तो उसमें प्राइस है 10,
20, 30, 40, 50. तो प्राइस क्या हो रहा है? राइज हो रहा है. और हमारे बाजू में दो कॉलम है, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. तो प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है फ्रेंड्स? इनवर्स रिलेशन. इसीलिए प्राइस अगर राइज हो रहा है तो डिमांड फॉल होगा, और प्राइस अगर फॉल हो रहा है तो डिमांड राइज होगा, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है. देखिए, तो प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, तो प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड फॉल हो रहा है. 500, 400, 300, 200 एंड 100. ओके, सेम. नाउ कम टू द मार्केट सप्लाई. तो देखेंगे, प्राइस राइज हो रहा है तो मार्केट सप्लाई में सप्लाई भी राइज हो रहा है. क्यों? क्योंकि प्राइस एंड सप्लाई हैज डायरेक्ट रिलेशन. मतलब प्राइस राइजेस, सप्लाई राइजेस, प्राइस फॉल्स, सप्लाई फॉल्स. इसलिए प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, मार्केट सप्लाई 100, 200, 300, 400, 500. तो ये तीनों कॉलम आपको समझ में आया होगा. अब हम आ जाते हैं लास्ट में, क्या रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. सो जब प्राइस 10 रुपीज और 20 रुपीज था तो डिमांड 500 एंड 400 था, और सप्लाई 100 एंड 200 था. तो देखकर क्या पता चल रहा है? डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, जो आपको लास्ट कॉलम में लिखना है. डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. यस, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई इन प्राइस 10 एंड 20. अब हम आ जाते 30 रुपीज में. 30 रुपीज में हमारा मार्केट डिमांड है कितना? 300, और मार्केट सप्लाई है कितना? 300. तो आ गए हम उस पॉइंट पे. कौन सा पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होता है, और जिधर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होता है वहां से हमें मिलता है इक्विलिब्रियम प्राइस. तो इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हुआ? 30. Why 30? क्योंकि 30 रुपीज में हमारा डिमांड 300 और सप्लाई भी 300. That is डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और हमें मिल गया इक्विलिब्रियम प्राइस. आई होप यू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट बच्चों. चलो लास्ट में आ जाते हैं, 40 and 50. तो 40 रुपीज और 50 रुपीज में मार्केट डिमांड है 200 एंड मार्केट डिमांड है 100 एंड मार्केट सप्लाई इज 400 एंड 500. तो 40 रुपीज और 50 रुपीज में मार्केट डिमांड कम है और मार्केट सप्लाई ज्यादा है, इसीलिए हमने इधर लिखा डिमांड इज लेस देन सप्लाई. तो शेड्यूल खत्म हुआ, शेड्यूल समझ में आया होगा. तो हम आ जाते हैं अभी हमारे डायग्राम पे. यस बच्चों, तो डायग्राम स्टार्ट करते हैं. डायग्राम का सबसे पहला प्रिंसिपल आप लोगों को पता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. क्या बनाना है अपने को? सबसे पहला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम लिख देंगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी, और वाई एक्सिस पे आएगा प्राइस इन रुपीज. ओके, तो शेड्यूल में प्राइस हमने देखा था 10, 20, 30, 40, 50. सो 10, 20, 30, 40 एंड 50. और फिर हमने मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई के दोनों कॉलम देखे थे, 100, 200, 300, 400, 500. सो 100, 200, 300, 400, 500. अब ये हमने दे दिया, तो अब हमें क्या बनाना है? डिमांड कर्व एंड एज वेल एज सप्लाई कर्व. तो पहला शुरू करेंगे किससे? डिमांड कर्व से. सो 50 रुपए में 100 केजी डिमांड हुआ था, 40 रुपीज में 200 केजी डिमांड हुआ था, 30 रुपीज में 300 केजी डिमांड हुआ, 20 रुपीज में 400 केजी एंड 10 रुपीज में 500 केजी. हाँ, एक और चीज बताना भूल गया मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो भी नंबर्स लोगे सेम डिस्टेंस रखना है टू गेट द कर्व परफेक्ट, 2-2 सेंटीमीटर. तो वाई वाई एक्सिस पे भी जो नंबर्स दिया उस पे भी 2-2 सेंटीमीटर. तो अभी हमने प्लॉटिंग्स कर लिया, तो दिख रहा है कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन में डिमांड कर्व का मूवमेंट होता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इस तरीके से हमें मिल गया हमारा डिमांड कर्व. अब हम सेम कंसेप्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे किसके लिए? सप्लाई के लिए. तो सप्लाई 10 रुपीज में सप्लाई हुआ कितना? 100. 20 रुपीज में सप्लाई हुआ कितना? 200. 30 रुपीज में सप्लाई हुआ कितना?
340 रुपीज में हमारा सप्लाई हुआ कितना 450 रुपीज में हमारा सप्लाई हुआ कितना 500। तो प्राइस एंड सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन था, तो हमारा सप्लाई कर्व का मूवमेंट अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से हमें मिल गया हमारा सप्लाई कर्व। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये कौन से पॉइंट पे मिलेगा, उस पॉइंट पे मिलेगा जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया है दोस्तों, इंटरसेक्ट। और वो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट यहां पर है जहां पे मैंने ई लिया है। ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या हुआ फ्रेंड्स, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सो उस पॉइंट से हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम प्राइस और उसी पॉइंट से हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है 30 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है कितना 300। यस बच्चों, डायग्राम समझ में आया कैसा ड्रॉ करना है। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पॉइंट ई इज अवर व्हाट, इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज हाउ मच 30, देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज हाउ मच 300 केजी। अब देखेंगे अबव इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर अगर हम ऊपर देखेंगे तो डिमांड इज 100 एंड डिमांड इज 200, सप्लाई इज 400, सप्लाई इज 500। तो अबव इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन ज्यादा है, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो जब डिमांड कम होता है और सप्लाई ज्यादा होता है तो मार्केट में कमोडिटी का होता है सरप्लस, और जब मार्केट में सरप्लस होता है तो प्राइस कम हो जाता है। यस बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब से हमें क्या देखना है, बिलो दी इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बिलो दी इक्विलिब्रियम पॉइंट देखेंगे तो डिमांड इज 500, डिमांड इज 400, सप्लाई इज 200 एंड सप्लाई इज 100। तो कौन ज्यादा है कौन कम है, यहां पर बिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। और जब ऐसा होता है तो मार्केट में चीजों का शॉर्टेज होता है, और जब मार्केट में चीजों का शॉर्टेज होता है तो प्राइस जो है फ्रेंड्स बढ़ते जाता है, प्राइस राइज होता है। तो ऐसा आपको एग्जाम में पहला थियोरेटिकल कंसेप्ट, देन शेड्यूल, देन डायग्राम, और डायग्राम के बाद उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा, 8 मार्क के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।